सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और मैं आज के वीडियो में वापस से प्लेटर के बारे में बताने वाला हूँ, तो जारी रहिएगा। और जो भी नए हैं उनको मैं ये बता देता हूँ कि मेरा नाम हर्ष है और मैं एक प्लेटर डेवलपर और साथ साथ में फ्रीलांसर हूँ। मैंने कई सारी डील्स क्रैक की है अभी तक रिलेटेड टू प्लेटर्स, और बहुत सारी जगहों पर जॉब, मतलब दो से तीन जगहों पर जॉब एक्सपीरियंस भी है, और आई हैव सर्व मेनी क्लाइंट्स इन द फील्ड ऑफ प्लेटर डेव। सो गाइस, यू कैन, मतलब मेरे को यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड साथ ही साथ में यू कैन लाइक द वीडियो इफ यू वांट टू सपोर्ट अस। अगर मेरे को जो भी रोड ब्लॉक्स आते हैं ना गाइस, मेरे को कोई भी रोड ब्लॉक्स आते हैं ना, वो एक्चुअली मैं बताता हूँ कि रोड ब्लॉक्स कौन से हैं और आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा, और साथ ही साथ में उसका सोल्यूशन भी दिखाऊंगा कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जस्ट स्टे, मतलब मेरे साथ में रहिए और मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो गाइस, आज के वीडियो में ना मैं आपको एक ऑडियो प्लेयर्स नाम की फ्लटर की पैकेज है उसके बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि वो हम अपने अगले प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। सो दैट इज व्हाई आई एम गोना टीच इट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारा गाइस ऑडियो पैकेज का, ऑडियो प्लेयर्स का पैकेज है। तो यहाँ पे हम ये पैकेज यूज करना है, एज ये पैकेज यूज करते हैं ना, तो एज फ्लटर डिस्क्राइब्स, ये क्या बोलता है, ये प्लग इन हेल्प करता है प्ले मल्टीपल साइमल्टेनियसली ऑडियो फाइल्स। मतलब ये वेब पे, मैक पे और एंड्रॉयड पे, काफ़ी सारी जगहों पे मल्टीपल फाइल्स को प्ले करने में हेल्प करता है गाइस, ठीक है। तो ये मल्टीपल फाइल्स को प्ले करने में हेल्प करता है ऑडियो फाइल्स को, तो हमें ऐसा ही कुछ करना है आगे, तो हम उसी से रिलेटेड करने वाले हैं। तो हाँ, जो भी नए उनको मैं ये भी बता देता हूँ गाइज, वी आर फ्रॉम न्यूटन स्कूल, एंड न्यूटन स्कूल में काफ़ी 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 मौज होती है, आपको बताता हूँ। इतना अच्छे से आपको एडवाइस देंगे, इतना मस्त पढ़ाएंगे आपको कि आप लिटरली इंटरव्यू क्रैक कर दोगे रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एनी ऑफ द डेव फील्ड्स एग्जिस्टिंग आउट देयर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, ये गूगल यूएस से है, माइक्रोसॉफ्ट यूएस से, गोल्डमैन सैक्स एंड व्हाट नॉट गाइस, यू कैन जस्ट सी द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। और हम, आप देख सकते हो हमारे अभी स्टूडेंट्स जो है वो कहाँ पे, दे आर इन अन अकेडमी, एसडीई इज अन अकेडमी, ड्रीम इलेवन, डेलॉइट, मीशो तो गाइस अभी यूनिकॉर्न भी बना है। तो ऐसी कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स अभी काम कर रहे हैं, एंड आप देख सकते हो शाओमी के अंदर भी है, लेंसकार्ट में भी है, आप देख सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा अप्लाई ना हो पे क्लिक करना है एंड यहाँ से लर्न मोर करना है, ठीक है। तो हो जाइए शुरू, ठीक है। तो साथ ही साथ में हम एक चीज़ डिस्कवर करने वाले कि हम इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे एंड ऑल, सब कुछ चीज़ें देखेंगे आज के वीडियो में। तो हमको अगर ये फाइल को इंस्टॉल करना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ये क्लिक करना, मतलब ये यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा। कॉपी करने के बाद में हमको यहाँ आना पड़ेगा जहाँ पे हमारा एंड्रॉयड डेवलपमेंट, मतलब एंड्रॉयड डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चालू है, वहाँ पे हमको आना पड़ेगा। तो अभी हम आ चुके हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पे। तो गाइस, हम pubspec.ml फाइल में जब जाते हैं, pubspec.ml फाइल में जाते हैं, तो हमको यहाँ पे वो चीज़ को पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वो पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे वापस से आ जाइए, और सॉरी यहाँ पे कंट्रोल एस दबा दीजिए, और बाद में pub.get के, मतलब pub get पे भी, आप अगर VS कोड में हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कंट्रोल एस दबा दोगे काम हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो में हो तो pub get पे भी क्लिक कर देना। हाँ, आज आप ये देख रहे हो कि मैं एंड्रॉइड स्टूडियो खोला हुआ हूँ। तो गाइस, मेरा ये यूबंटू है, और यूबंटू में एंड्रॉइड स्टूडियो में कोई दिक्कत नहीं आती, इट वर्क्स वेरी फाइन, मतलब स्मूथ चलता है, तो यूबंटू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यू कैन ऑलवेज यूज एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन यूबंटू, और एंड्रॉइड स्टूडियो के अपने अपने फायदे है ही एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने के लिए। सो दैट इज, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद में ये फाइल को कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको सेम चीज़ को जहाँ पे भी आप यूज करने वाले हो ना इसको, लेट्स से यहाँ पे यूज करने वाले हो इन द मेन फाइल, तो मेन फाइल में पेस्ट कर दीजिए ऊपर ही ऊपर, ठीक है। अभी गाइस, मैं एक इसका पुराना वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ, तो इस पुराने वाले वर्जन में audio.cache है, मतलब आपको दिखाता हूँ एक्चुअल जो है वो दूसरा वाला है audio player.dat है, अभी जो मैंने दिखाया आपको स्क्रीन पे, तो audio player.dat है यहाँ पे। लेकिन मुझे कैसे मिला ऑडियो कैश वाला वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे जब रीडमी पे आते हो, आप रीडमी पे वेबसाइट पे आते हो, वेबसाइट का मैं आपको स्क्रीन एक सेकेंड के लिए शेयर करता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके,
तो आप वेबसाइट पे आते हो, तो वेबसाइट पे आके आप कंट्रोल एम दबाओगे तो कैश, ठीक है। तो मैं इसका 10th वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो 10th वर्जन जो है ना, उसमें क्या था गाइज, इसमें कुछ दिक्कतें थी, तो उसकी वजह से हमको ऑडियो कैश यूज करना पड़ रहा था। लाइक मैंने यहाँ से किया हुआ पहले भी। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको यहाँ पे आना है, इसका पुराना वाला वर्जन पे जाना है जो इसका पुराना कमेंट है। हिस्ट्री में जाएंगे, हिस्ट्री में जाने के बाद में इसको हिस्ट्री चेक करेंगे थोड़ा सा। ओके, मैं गलत साइड पे आ गया, कोई बात नहीं। व्हाट आई मेंट इज, मैं आपको सीधा सीधा यहीं पे बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। सिंपल सिंपल सा बात है, आप अगर जब इस वर्जन का ये वाला पार्ट यूज कर रहे हो 10th वाला, तो आपको करना क्या है, आपको 10th वाला मतलब हाँ, तो 10th वाला वर्जन जब आप यूज कर रहे होगे, तो ये 10th वाले वर्जन के साथ में व्हाट यू नीड टू डू इज, यहाँ पे main.dart में आके ये वाला फाइल कॉपी करना है, ठीक है। ये वाला फाइल यहाँ पे पेस्ट कर देना, ये ऑडियो अंडरस्कोर कैशे है नॉर्मल फाइल के आगे, ठीक है, ऑडियो अंडरस्कोर कैशे। तो अब इसमें हम क्या करना है, हम अब जब इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या बोलते हैं कि आपको अगर कोई ऑडियो फाइल यूज करनी है तो आपको लोकल वेरिएबल इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हमने ये यहाँ से कॉपी कर लिया, और हमारा एक ऑन प्रेस, मतलब जो बटन ऑन प्रेस होता है ना, अभी मेरे पास में गाइस व्हाट वी कॉल स्क्रीन नहीं है, मतलब आई एम नॉट एबल टू डिस्प्ले इट। व्हाट आई डू इज आई शो इट टू यू ऑन स्क्रीन। यहाँ पे आपका जो नॉर्मल सा फ्लटर का ऐप होता है ये दिख रहा होगा आपको, तो ये फ्लटर का ऐप में आपको करना क्या है, ये जो डेमो ऐप आता है वही है, कुछ नहीं और, ठीक है। आपको क्या करना है, ये जो बटन है ना, ये वाली बटन, इस बटन को प्रोग्राम करना है कि इस बटन को क्लिक करने से हमारा साउंड प्ले हो। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू नाउ। तो इसको करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, उस बटन के कंट्रोल एफ कर लेते हैं, ऑन प्रेस, ठीक है। उस बटन के ऑन प्रेस इवेंट पे आ गए, और उस बटन के ऑन प्रेस इवेंट के अंदर आने के बाद में हमको ये वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन में हमको दिखाया गया था। तो अब डॉक्यूमेंटेशन की और वापस से आ जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में ये दिखाने के बाद में डायरेक्टली हमको ऐसे कॉल करवाया था, और इसको कॉल करने के बाद में ऐसे, मतलब फाइल का नाम जहाँ पे भी है वो फाइल को यूज कर लीजिए। तो लेट्स गो टू द एंड्रॉयड स्टूडियो बैक अगेन। तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे आ गए, हमने फाइल जो कि असेट्स नाम के फोल्डर में रखी थी note1.wav, तो वो यहाँ पे कॉल कर लिए गाइस। तो ये कॉल करने के बाद में व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको रन करना है। जैसे ही आप रन करोगे, ये आपको एरर देगा, ये आपको एरर देगा कि नल सेफ्टी आपका ऑन है। तो उसको ऑफ करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको टर्मिनल में आना पड़ेगा, और टर्मिनल में आने के बाद में आपको ये वाला कमांड लिखना पड़ेगा। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ, मुझे काफी सारे एरर्स आए थे और मैं वो सारे एरर्स को सॉल्व किया हूँ अभी बैठ के। सो लेट्स सी ये एरर्स क्या क्या थे। ओके, सो दिस इज गाइस, पहले आपको डार्ट का नो साउंड नल सेफ्टी रन करना पड़ेगा, और उसके बाद में आपको ये वाला कमांड, ये वाले कमांड से आपको रन करना पड़ेगा। सो जैसे ही आप रन करोगे, आपका ऐप इनिशियलाइज भी हो जाएगा, और साथ साथ में बिल्ड भी हो जाएगा, और उसके बाद में इंस्टॉल भी हो जाएगा। सो दिस इज हाउ हमारा सारा ऐप का काम होने वाला है। तो ये ऐप का काम तो ऐसे हो जाएगा, बट उसके बाद ना क्या करना है, आपको ये फोन निकालना है, और फोन निकालने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको साउंड तो सुनाई नहीं देगी कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन मतलब थोड़ा धीरे चल रहा है इसमें, एंड नॉट एबल टू डिटेक्ट दैट। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे आप क्लिक करोगे ना, आप देखना कि स्क्रीन पे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे जो भी मैसेजेस होते हैं रिलेटेड टू
रिलेटेड टू साउंड, मतलब साउंड के मैसेजेज आते हैं कि साउंड प्ले हो रही है, ये देखिए साउंड प्ले हुई थी, ये मैसेजेज आपको दिखाई दे देंगे यहाँ पे। प्रेसाइसली यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा अच्छे से, मैं यहाँ पे इसको ऐसे अच्छे से क्लिक करता हूँ। ओके ओके, तो हम इसको एक बार रीलोड कर लेते हैं। रीलोड करने के बाद में मैं स्टार्ट क्लिकिंग, देखो देखो ये सब मैसेजेज आते जा रहे ऊपर चले जा रहे हैं, मैं बहुत फास्ट फास्ट दबा रहा हूँ तो ये होते जा रहा होते जा रहा। तो ऐसे काम करता गाइस ये। तो ये सब था, और आपको कोई फ्लटर रिलेटेड जॉब्स की भी अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे ऑलवेज लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हो, और काफ़ी कुछ मैं भी सिखाता हूँ वहाँ पे। तो गाइस अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को। थैंक यू।